नमस्ते भारत, बांबू ग्रोवर में आपका स्वागत है। मैं चिराग किसान बांबू ग्रोवर के अंदर में आज ले चलता हूँ आपको ग्रीन वल्गरियस, जो कि बहुत ही उम्दा, बहुत ही स्ट्रेट और बायोमास से भरपूर बांस की प्रजाति है। ये है वही ग्रीन वल्गरियस, आप देख सकते हैं ग्रीन वल्गरियस, जिसमें शुरुआती तौर पे जो है वो साइड ब्रांचेस नीचे की तरफ में रहती है, उसके बाद में वो अपने आप में एक बढ़िया ग्रीन दिखने वाला और सीधा और स्ट्रेट बांस कहलाता है। साइड ब्रांच आती है लेकिन कम थिकनेस वाली साइड ब्रांच रहती है, और ऊपर की तरफ में जो है वो साइड ब्रांचेस ज़्यादा रहेगी, जहाँ पर उसको प्रकाश जो है वो मिलेगा। और ये आप देख सकते हैं तना उसका, ग्रीन वल्गरियस का। ये गुजरात में उपलेटा में लगाया हुआ था अपने मित्र, जो है मित्र साथी कह सकते हैं, हमारे बांबू के गुजरात के अंदर में शुरुआतकर्ता कह सकते हैं अरविंद भाई को। वो अरविंद भाई के फार्म के अंदर में ये लगा हुआ है। आज अचानक से हमारा यहाँ पर आना हुआ तो अरविंद भाई अवेलेबल नहीं है, लेकिन देख सकते हैं आप किस तरीके से जो है वो ग्रीन वल्गरियस के अंदर में ये नया शूट कैसे मदर में से निकलता है। ये मेन ब्रांच है, ये मदर ब्रांच के अंदर में से ये नया निकला हुआ है। आप देख सकते हैं ये सेकंड जो है वो मदर ब्रांच में से निकला और ये थर्ड मदर ब्रांच में से निकला। वैसे ही ये मेन क्लंप था, उस मेन क्लंप में से ये एक निकला है, और इनसाइड पे आप देखोगे तो ये दूसरा निकला हुआ है। ये मेन क्लंप जो है वो नीचे से निकलना स्टार्ट हो रहा है। अभी मॉनसून सीजन में 15-20 दिन की देरी है, और मॉनसून सीजन के अंदर में इस तरीके से अलग अलग नए शूट जो है वो निकलना चालू हो जाएंगे। ये ग्रीन जो है, और जो इसकी आवाज़ देखिए आप, पकिया जो कहते हैं, ये पकिया वाला बांस थिकनेस में एकदम स्ट्रेंथ मजबूत, और ये एक हाथ में भी नहीं आ रहा है। ये तकरीबन 6 साल हुआ है ये सिंगल प्लांट हम जो देख रहे हैं उसको, और हाइट में कह सकते हैं कि ये तकरीबन 50 फीट के आसपास में हाइट अभी बन चुकी है इसकी। और साइड से अगर दिखाऊं आपको, ये साइड से तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ये रही 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 पीछे 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 पीछे, ठीक है, कीड़ी छे लाल, ध्यान रखिए।